कॉमेडी किंग कपिल शर्मा के शो पर इस बार हाउसफुल 4 की टीम धमाल मचाने आ रही है और फिल्म के प्रमोशन के लिए अक्षय कुमार के साथ रितेश देशमुख, चंकी पांडे, बॉबी देओल, कृति सनन, कृति खरबंदा, पूजा हेगड़े भी सेट पर मौजूद रहेंगे। लेकिन हाल ही में द कपिल शर्मा शो का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। इस वीडियो में अक्षय कुमार बॉलीवुड एक्टर चंकी पांडे पर आरोप लगाते नजर आ रहे हैं। द कपिल शर्मा शो का यह वीडियो सबका खूब ध्यान खींच रहा है, साथ ही लोग इस पर जमकर कमेंट भी करते नजर आ रहे हैं। द कपिल शर्मा शो के वायरल वीडियो में चंकी पांडे अक्षय कुमार से कहते नजर आ रहे हैं कि मैं आपका गुरु हूं ना। इस पर अक्षय कुमार ने चंकी पांडे को जवाब देते हुए कहा, मैंने एक्टिंग इन्हीं से सीखी, शुरुआत के 10 साल जो थे मेरे करियर के वो सबसे खराब फिल्में मैंने उसी दौरान की थी, जब मैंने इनकी एक्टिंग भूली है उसके बाद मेरा करियर शुरू हुआ है। अक्षय कुमार की बात सुनकर चंकी पांडे ने मज़ेदार अंदाज में कहा, वह मजाक कर रहा है। अमजो किंग कपिल शर्मा के शो में अक्षय कुमार और चंकी पांडे के बीच मज़ेदार नोकझोंक देखकर वहाँ मौजूद लोग हंस पड़ते हैं। और प्रोमो वीडियो में सोनी टीवी ने शेयर करते हुए लिखा कि जोक्स की झलेगी फुलझड़ी जब हंसी की लगेगी लड़ी। बता दें कि हाउसफुल 4 की टीम आने वाले शो कपिल के शो पर कलाकारों के साथ उन्हें चैलेंज करते नजर आएंगे। इस चैलेंज के अंतर हाउसफुल 4 की टीम 12 चैलेंज पूरा करने वाली है। वहीं हाउसफुल 4 की बात करें तो फिल्म इसी महीने 25 अक्टूबर को रिलीज होगी। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक फिल्म का कुल बजट 75 करोड़ है। साजिद नाडियाडवाला द्वारा निर्मित यह कॉमेडी फिल्म सबसे महंगी कॉमेडी फिल्म है। आप कितने एक्साइटेड हैं फिल्म के लिए, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। सब्सक्राइब करें देखो देखो, जुड़े रहे हमारे साथ, क्योंकि ये मिलती है बहुत।